आज की हमारी गतिविधि का नाम है पत्तियों से पेंटिंग। पेड़ में जो पत्तियां होती हैं उनकी सहायता से पेंटिंग करना। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि यह कार्य करने से बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से चित्र बना पाएंगे और उनका कलात्मक विकास होगा। इस कार्य के लिए आप पेड़ से कुछ पत्तियां ले लें, अलग अलग पेड़ की भी पत्तियां ले सकते हैं। अब उन पत्तियों पर इस तरह रंग लगाएं, बच्चों को दिखाना है, बहुत ज़रूरी है, तभी वो सीख पाएंगे। इस तरह रंग लगा लें और एक ड्राइंग शीट ले लें, ड्राइंग शीट जो हम सबके पास अवेलेबल है, और उस ड्राइंग शीट पर पत्ती पर जो रंग लगा है उसकी सहायता से इस तरह छाप लगा लें, यानी कि प्रिंटिंग कर लें एक तरीके से। और उस पत्ती को छाप लगाने के बाद बहुत ही आराम से उठाएं, उसके बाद दोबारा दूसरी जगह पर उससे छाप लगाएं और एक निश्चित आकृति बनाएं। जैसे यहाँ पर टीचर एक फूल बना रही हैं, इन्होंने हरा रंग का इस्तेमाल किया है, आप किसी और रंग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। और इस तरह छाप लगाते हुए, पत्तियों के छाप लगाते हुए फूल बन रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर फूल बन रहा है। जब हम बच्चों को ये कर दिखा दें उसके बाद बच्चों को ड्राइंग शीट दे दें और पत्तियां दे दें, रंग दे दें, ब्रश दे दें, और उसके बाद उनसे कहें कि वो भी इसी तरह की छाप लगाकर फूल बनाएं या जो भी आकृति उन्हें बनानी है वो आकृति बनाएं।